तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल अभिरुद्ध टेक में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने कंप्यूटर का फॉन्ट स्टाइल चेंज करें। मैं पूरे फॉन्ट को चेंज करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आपसे एक ही निवेदन है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को। सो वेलकम बैक। तो आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ कोड लिखा आएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको क्या कोड लिख के आ रहा है। तो ये मैंने दो फाइल बनाई है, तो एडिट करता हूँ। तो आपको यही कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कॉपी करना है और अपने कंप्यूटर के नोट पैड में यही पेस्ट करना है। सिंपल, आप विंडो बटन पे प्रेस करोगे, यहाँ पे नोट पैड सर्च करोगे तो आ जाएगा। उसके बाद नोट पैड खोलने के बाद इसी कोड को आपको कॉपी पेस्ट करना है अपने नोट पैड में। जैसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद नोट पैड में आपको जाना है। उसके बाद नोट पैड को खोलने के बाद आपको इस कोड को यहाँ पे पेस्ट करना है। फाइल पे जाना है, सेव करना है। ठीक है, सेव करने के बाद आप इसको कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप चुन लेता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ भी नाम टाइप कर देना है। मैंने 123 टाइप कर दिया। यहाँ पे डॉट आपको REG लिखना है, ये ध्यान देना दोस्तों। REG लिखना ही लिखना है, तभी ये स्टाइल आपके कंप्यूटर में अप्लाई होगी। मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। डेस्कटॉप पे एक फाइल बन के आ चुकी है 123। जैसे ही मैं इस पे डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरे कंप्यूटर में परमिशन के लिए गया। मैं यस कर दिया, यहाँ पे आ गया। मतलब आप जो है फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं, ये उसके बारे में बता रहा है कंप्यूटर के फॉन्ट को। यस मैंने क्लिक कर दिया, ये बता दिया कि सक्सेसफुली जो है आपका फॉन्ट जो है चेंज हो चुका है, रजिस्ट्री एडिटर में ऐड हो चुका है। तो मैं यहाँ ओके कर दूंगा। अब मैं अपने कंप्यूटर को सिंपल जो है रीस्टार्ट करूंगा। दोस्तों, कंप्यूटर रिस्टार्ट करने पे आप देख सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर का फॉन्ट चेंज हो चुका है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो आप भी इस ट्रिक को फॉलो करके आप अपने कंप्यूटर में देख के बताइए कि ये ट्रिक आपके कंप्यूटर में काम की कि नहीं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरह से आप अपने कंप्यूटर पर अप्लाई करोगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। यहाँ पर आपको जाना है फॉन्ट में। उसके बाद यहाँ पे आपको वो फॉन्ट सिलेक्ट करना है जिस फॉन्ट में आप अपने कंप्यूटर को देखना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, उस फॉन्ट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी फॉन्ट आपको पसंद हो, ठीक है, कुछ भी जो आपको पसंद है वो ले लो यहाँ से फॉन्ट। जैसे मैंने ये लिया था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका नाम जो है यहाँ पे कॉपी किया था। मैं इसको ओपन करके एडिट करके प्रॉपर तरीके से आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप अपने कंप्यूटर में कर पाओगे। क्या मैंने यहाँ पे लिखा है फॉन्ट का नेम, आप भी अपने फॉन्ट का नेम जैसे यहाँ पे लिखा गया है, जो भी फॉन्ट का नेम हो वही फॉन्ट का नेम यहाँ पे लिख देना। ठीक है, एंटर अ न्यू फॉन्ट यहाँ पे मैंने लिखा है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वो आपको मिटा के यहाँ पे इस फॉन्ट का नेम लिख देना है, सेम लिख देना है। उसके बाद फाइल पे जाके सेव एज करना है आपको, .REG फॉर्मेट में आपको सेव करना है, तभी ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे अप्लाई तो हो गया है, लेकिन मुझे अगर कभी चेंज करना होगा फॉन्ट, अपने डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में जाना हुआ, तो वो आप कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पे एक और फाइल बना के रखी है, ओल्ड फॉन्ट। ठीक है, मैं इसको एडिट करके दिखा दूंगा। ये भी नीचे आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो विंडोज़ रजिस्ट्री एडिटर वर्जन 5 से लेके यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेना है सिंपल। इसको कुछ भी आपको करना नहीं है, इसको जस्ट सिंपल कॉपी करके यहाँ नोट पैड में पेस्ट करने के बाद आपको फाइल पे जाके सेव एज करना है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे ओल्ड फॉन्ट मैंने लिखा है, यहाँ पे मैं 123 लिख देता हूँ, 1234.REG लिख देता हूँ। मैंने दो फाइल इसलिए बनाई क्योंकि मैंने एक बार करके रखा था, ठीक है, वो सक्सेसफुली वर्क करता है कि नहीं इसके लिए, और दूसरी इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से कर पाओ। ठीक है, जब मैं इस पर डबल बार क्लिक करूँगा तो ये अप्लाई हो जाएगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने कंप्यूटर के डिस्प्ले फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो है सब में अप्लाई नहीं होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे कंप्यूटर में अप्लाई नहीं हुआ। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप अपने कंप्यूटर में लैंग्वेज को कैसे चेंज करेंगे, वो भी लैंग्वेज पूरे कंप्यूटर में अप्लाई नहीं हो रही थी, उसी तरह से ये भी है। आपके फॉन्ट को चेंज तो कर रहा है लेकिन पूरे कंप्यूटर के फॉन्ट को नहीं चेंज कर रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर नॉर्मल करना है तो यही आप डबल क्लिक करेंगे, यस करके परमिशन दे देंगे, ओके बस कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे, आपका कंप्यूटर नॉर्मल फॉन्ट में चला जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। करके बताइए, देख के बताइए, सीखिए कुछ नया इंटरेस्टिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।